अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमेर अदीज और आप देख रहे हैं यूआर अदीज। जैसा कि इससे पहले आपने वीडियो में देखा था कि मैंने बताया था कि कांग्रेस का आज पैदल मार्च है दक्षिणी विधानसभा का आज पैदल मार्च निकला था। हमारे साथ बहुत बड़े नेता हैं अजय राय जी, हम इनसे कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। और कल कैंट विधानसभा से पैदल मार्च था, आज दक्षिणी विधानसभा से पैदल मार्च है। सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है, पैदल मार्च निकालने का क्या क्या मकसद है, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या प्रॉब्लम है और उस परेशानी का हल क्या चाहते हैं आप। तो सबसे पहले अजय राय जी, आप ये बताइए कि आप लोगों का पैदल मार्च निकालने का मकसद क्या है। देखिए, ये पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के उनके उस पर निकाला गया निर्देश पे, और वो चीजें स्टार्ट हुई हैं लल्लू जी के आग्रह पर, और ये पूरे प्रदेश में शुरू हुआ है। कल ये कैंट विधानसभा में 80 घाट पे हम लोगों ने माँ गंगा को जल हाथ में लेकर ये वहाँ से ये संकल्प लिया कि इस भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जो जनता को लगातार परेशान कर रही है, इसको उखाड़ फेंकना है। 2022 के चुनाव में भाजपा गद्दी छोड़ो ये हमारा नारा है, उसको लेकर हम लोग निकले हैं। अभी आपने कहा था, जब मैं आपकी स्पीच सुन रहा था तो आपने कहा था कि कांग्रेस मैदान में लड़ रही है, फील्ड वर्क कर रही है। तो आखिर जब फील्ड वर्क ये कर रही है तो जनता ने इसको केंद्र से 2 बार क्यों उखाड़ फेंका और यूपी से क्यों 1 बार उखाड़ फेंका। देखिए, ऐसा है यूपी में एक बार क्या 1989 के बाद से आई मैं कह रहा हूँ कि आप देखें, लगातार प्रदेश में हम 89 से नहीं हैं और केंद्र में लगातार हमारी सरकार 4 से लेकर 14 तक थी। तो जनता ने 4 से लेकर 14 तक का भी कार्यकाल देखा है। सभी लोग यहाँ खड़े हैं कि 4 से 14 कांग्रेस का कार्यकाल कैसा था, सबको खाना मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, धंधे चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, रोजगार चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, लोगों के घर में चूल्हे जल रहे थे कि नहीं जल रहे थे। और इस मोदी सरकार को भी 2014 से लगातार देख रहे हैं कि घर के चूल्हे बंद हो गए, जो घर में खाना बनता था बंद हो गया, जिसकी नौकरी चलती थी वो बंद हो गई, जिसके कर्जे चलते थे वो भी बंद हो गए, जो साड़ी का बाजार व्यापार था वो भी बंद हो गया। तो ये जनता खुद तय करेगी कि हमारी सरकार बेहतर थी कि इनकी सरकार बेहतर है। और महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। तो जनता ने 10 साल हमें दिया, तो जनता ने देखा कि भाई 10 साल कांग्रेस को दिया तो भाजपा को भी दे दें 10 साल, तो 10 साल देख रही है। अब वो स्थिति किस तरफ जा रही है कि अच्छे दिन दिखाया था, अब जनता से आप पूछ सकते हैं कि अच्छे दिन 4 से लेकर 14 तक वाले थे कि 14 से लेकर ये अभी जो मोदी जी के चल रहे हैं, योगी जी के ये हैं, ये जनता तय कर देगी। प्रदेश में आप बताइए कि आखिर प्रदेश में 89 की बात आप क्यों नहीं है? प्रदेश की बात देखिए, मैं कह रहा था कि केंद्र में हमको आपने दिया वोट और प्रदेश में हमको नहीं दिया। आपने कहा केंद्र में कांग्रेस जरूरी है, कांग्रेस को दे दिया, और प्रदेश में कहा कि समाजवादी पार्टी जरूरी है या क्षेत्रीय दल जरूरी है, उनको दिया। उसका दशा आप देख लीजिए कि कहीं पर भी कोई कार्य नहीं हो पाया, कोई हो नहीं पाया। केवल समाजवादी पार्टी में कौन बढ़ा? उनके मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह, उनके बेटे अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, प्रतीक यादव, ये सारे लोग बढ़ते चले गए। कोई आम आदमी बढ़ा तो बता दो मुझे, बनारस का कोई नेता बढ़ गया हो, कोई आगे चला गया हो। तो ये सारी चीजें लगातार केवल समाजवादी पार्टी में शोषण हुआ है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस 89 तक थी, न जात था, न पात था, न हिंदू था, न मुसलमान था, सब एक झंडे के नीचे, कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़ा था। हम सब यही आग्रह कर रहे हैं कि कांग्रेस को 2022 में सत्ता में उत्तर प्रदेश में बैठाइए, फिर वही अमन चैन हम उत्तर प्रदेश के लाकर दिखाएंगे, ये वादा करते हैं। एक बात और कि आपने कहा था कि उसके पहले न हिंदू था न मुसलमान था, केवल भारतीय था। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस जो आप अभी कहते हैं कि भाजपा आरएसएस का काम कर रही है, तो आरएसएस को बनाने वाले कौन थे? आरएसएस को बनाने वाले यही लोग हैं जो आरएसएस के लोग हैं, और कौन है? यही हेडगेवार। 1925 में जब बनी तो उस समय हेडगेवार बता तो ना हूँ, हेडगेवार, उसके बाद आए आपके गोलवरकर, ये सारे लोग आरएसएस के थे, उन्होंने भाजपा और मोदी को पैदा किया है। जी एक बात और कि आपका अभी मैं पोस्टर देख रहा था अफजल अंसारी जी का, कि आपका जो पैदल मार्च निकला है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, तो इन सब मुद्दों पर भी आप थोड़ा थोड़ा बात रख दें हमारी जनता के सामने, ताकि उसको मैंने कहा ना कि इसीलिए जो यात्रा ये प्रारंभ हुई है इसी चीज़ के लिए कि भाई जनता जागरूक हो, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो ये चल रहा है पूरा देश के अंदर, ये कि बांटो, फूट डालो, राज करो, इसके
तक हम जनता को जगाने आए हैं, जगा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आइए, हम इन सब चीजों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे। अगर अगले साल आपकी सरकार यूपी में आती है तो इन सब परेशानियों का कैसे हल निकलेगा? नहीं, ये निकलेगा, हम बैठ के काम करेंगे। अब निश्चित तौर से हम, मैंने कहा ना कि 2004 से 14 का जो कार्यकाल था, आप जनता से पूछ लीजिए, आप अपने आप से पूछिए, अपने घर वालों से पूछिए, अपने बीबी अपने भाइयों से पूछिए कि उस समय घर में खाना ठीक मिल रहा था ना, आपको खुद बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय राय जी, ये थे अजय राय जी। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बोले मिलते हैं।